गुल्लक लेकर आओ बेगम, जारा की वो बचपन वाली गुल्लक लेकर आई है। आप पानी पीछे। आज तक बचपन से लेकर हमने इसको जितना भी जेब खर्च दिया ना, वो सब लेकर आई है। आज उसके इस जेब खर्च से हम सब दावत करेंगे। अब्बा हमें कुछ बोलने का। जिंदगी में पहली बार आपकी बेटी ने हमसे बगैर पूछे कुछ काम किया है। आपकी बेटी बड़ी हो गई है। आपकी बेटी ने शरिया बोर्ड ज्वाइन कर लिया है। आज के बाद से जारा सिद्दीकी हमारे साथ शरिया बोर्ड में बैठकर हमारी कौम का फैसला करेंगी कि कौन सी बात गलत है और कौन सी सही। अम्मा, अब बात तो सुनिए हमारी। बताइए जारा सिद्दीकी, बताइए आप अपनी इस कामयाबी का जश्न किस होटल में मनाना चाहेंगी? अब्बा प्लीज हमारी बात सुन लीजिए एक बार। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो जारा कि अपने फैसले खुद ले सको? अब पूछते हैं तुमसे, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी अम्मा, जरूरत थी। हमने शरिया बोर्ड अपने लिए नहीं, अपने अब्बा के लिए ज्वाइन किया। कुछ लोगों ने हमारे अब्बा को अकेला जानकर सॉफ्ट टारगेट कर दिया था। उनको ये बताना जरूरी था कि हमारे अब्बा अकेले नहीं है, उनकी बेटी है उनके साथ। और काजी इरफान सिद्दीकी की बेटी किसी के बेटे से कम नहीं है। हाँ, हम कबूल करते हैं कि हमने जानबूझकर अकेले ये फैसला लिया है, और अगर आज के बाद किसी ने हमारे अब्बा का बुरा चाहा तो हम ऐसे ही फैसला करेंगे। वो क्या कह रहे थे तुम कि हम उसी से निकाह करेंगे जिससे हमारे अब्बू कहेंगे? आज के बाद नहीं कह पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। अरे ये क्या बात हुई? हमने आपको इतनी बड़ी बात बताई और आपने पूछा भी नहीं कि लड़की कौन है। अब्बू का है। ऊपर क्यों? अब्बू ने आखिरी फैसला इस पे छोड़ा, पटाना पड़ेगा मौलवी को। अब्बू, मेरा बेटा, मेरा काजी, मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें। मुबारक। क्या हुआ? खबर हमें भी मिली अबू। कौन सी खबर? कि रुखसार और हमारे रिश्ते को आपने हाँ कह दिया। हाँ तो भाई, आखिरी फैसला तुम्हारे हाथ ही रखा है ना। देखो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। हम तो भाई तुम्हें काजी इरफान के इस्तीफा देने की मुबारकबाद दे रहे थे। कब दिया उन्होंने इस्तीफा? तुम शरिया बोर्ड की मीटिंग से आ रहे हो? जी, बीच में कहीं रुके थे, लेकिन तो दिया उन्होंने इस्तीफा। खालिद ने खुद मुझे फोन पे मैसेज करके बताया। क्या हुआ? वो इस्तीफा शायस्ता खातून ने दिया था। क्या? और खालिद अंकल को भी मैसेज करने के लिए शो कॉज नोटिस मिला है। तो हुआ क्या मीटिंग में? वो खेल जो उस दिन आपने खेला था, आज काजी और उसकी बेटी ने हमारे साथ खेला है। शायस्ता खातून ने अपनी रेजिग्नेशन दी है और काजी इरफान की बेटी जारा सिद्दीकी ने उस पर ओथ लिया है।
वही ज़ारा सिद्दीकी जो उसकी गलत सोच के हक में गलत दलीलें देती रहती है और लोगों को अपनी तरफ करती है। देखा देखा तुमने, जिस शख्स के लिए तुम अपने बाप के सामने खड़े होने को तैयार हो गए थे, कितना बड़ा खेल खेला है उसने। अबू, ना हमें आपका खेल पसंद आया, ना उस काजी और उसकी बेटी का खेल पसंद आया हमें। आज हमारी निगाह में जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगा, हमेशा। पर उस लड़की का इस तरह बोर्ड में आना हमें हर तरफ से गलत लगता है। बैठो। देखो बेटा, तुम अपने सही और गलत के रास्ते पर कायम रहो और अपने उसूलों पर लखनऊ के शहर काजी बनने की तैयारी करो, क्योंकि जहां तक इल्म की बात है हो सकता है कि वो हमें मात दे दे। मगर जहां बात होती है सियासत की, वो काजी साहब हमारे सामने बच्चे हैं। अभी अपनी अम्मी को कहो वो तैयार हो जाएं, कहीं जाना है हमें। अबू, कहां जाना है? बस देखते जाओ। माजिद साहब, एक आप ऐसा केस बनाइए जिससे ये जो कुछ मीडिया वाले शहबाज अहमद के इशारों पर नाच रहे हैं उनकी अकल ठिकाने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपके बिन बुलाए आने की वजह जान सकते हैं हम? बेटियों के बाप लड़के वालों को पैगाम भेजकर कहां बुलाया करते हैं? मतलब? मतलब ये काजी साहब कि हम आपकी बेटी जारा के लिए अपने बेटे कबीर का रिश्ता लेकर आए हैं। और हम भी अपने बेटे के लिए अपने ही दर्जे का कोई खानदान ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी बेटी जारा हमारे घर की दुल्हन बने। वैसे काजी साहब, यकीन मानिएगा, ये ख्याल हमारे जहन में पहले कई बार आया मगर हर बार हमने अपने आप को रोक लिया, ये याद दिलवाकर कि हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अरे काजी साहब कहां, हम कहां, उनका दर्जा तो हमसे कहीं ज्यादा ऊंचा है, उनका रुतबा हमसे कहीं ज्यादा बुलंद है, मगर लगता है हम तो गलत थे। आप तो काफी कमीने किस्म के आदमी निकले। उस दिन जब आप हमारे घर आए काफी गुस्से में लग रहे थे, आपको ठीक से देखने का मौका ही नहीं मिला। माशाल्लाह, आप तो निहायत ही प्यारी बेटी हैं। आप हमसे नाराज हैं क्या? आपके शौहर ने हमारी बेटी की तस्वीर अखबार में छपवा दी, हमारे शौहर का सुकून और चैन दोनों छीन लिया, उसके बावजूद भी हमें नाराज होने का हक भी नहीं। आपको नाराज होने का पूरा हक है, आपकी जगह हम भी होते तो हम भी इसी तरह नाराज होते। हमें पूरी बात तो नहीं मालूम, लेकिन चाहे वो आपके शौहर हो या हमारे,
ईमान वाली बात तो ये है कि इन लोगों को अपने सियासी मामलों में घर वालों को नहीं घसीटना चाहिए। काजी साहब, सियासत में आप हमसे कहीं कहीं आगे निकले हैं। आपकी इज्जत हमारी निगाहों में कई गुना बढ़ गई। और इसलिए हम चाहते हैं कि ज़ारा सिद्दीकी वल्द इरफान सिद्दीकी का निकाह कबीर अहमद वल्द शहबाज अली अहमद के साथ हो। निकाह कबूल है आपको? जो कुछ भी हुआ वो अगर ना होता तो बेहतर होता। खैर, हमें अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, एक दिन हमारी बेटी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता आएगा। यकीनन। एक कप और बना देंगी बेटा? जी। आप हमारे मेहमान हैं शहबाज अहमद, वरना आप भी जानते हैं कि हम इस शहर के शहर काजी हैं। हमारी एक आवाज पर लोग आपको इस घर से ही नहीं, इस शहर से भी उठाकर बाहर फेंक देंगे। इसलिए हमारा आपको एक मशवरा है शहबाज अहमद, कि आप ये चाय पीजिए और अपने घर तशरीफ ले जाइए। वैसे आप धमकियों पे उतर आए काजी साहब? फरिश्ते से इंसान बनना मुबारक हो आपको। ये मर्दों की सियासत मर्द ही जाने, लेकिन आज हम औरतें तय करेंगी कि हमारा रिश्ता हमेशा से अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमेशा खुश रहो बेटा। अगर आपकी निगाह हमारी काजियत पर है तो अपने जीते जी हम आपको या आपके किसी भी आदमी को काजी नहीं बनने देंगे। कहने का मत। तो फिर चलते हैं, मगर हमने जो कहा था आपसे उस पर और जरूर फरमाइएगा।